हेलो फ्रेंड्स, ओपनिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्री क्या होता है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। हर बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट की वजह से ईयर एंड पर, ईयर एंड कौन सा हुआ, जो अभी 31 मार्च 2000 जैसे 21 चल रहे हैं, तो 31 मार्च को क्या होता है, जितने भी बुक्स होती है, जितने भी लेजर अकाउंट है, वो सारे क्लोज करने पड़ते हैं हर बिजनेस के अंदर। है इंडिया के अंदर 31 मार्च को आपको कंपलसरी क्लोज करने ही करने हैं। उसके बाद जितना उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। तो कोई भी बिजनेस है, वो 31 मार्च को अपनी बैलेंस, जो बैलेंस शेज है, उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोजिंग एंट्री करेगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर मीन्स 1 अप्रैल 2000, मान लो 21 है तो 21 इस डेट का वो ओपनिंग एंट्री करेगा। अब ओपनिंग एंट्री कैसे करेगा उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। पहले क्लोजिंग एंट्री होती कैसे है, ओपनिंग एंट्री की जरूरत क्या पड़ी वो मैं बता देता हूँ। जब ईयर एंड होता है तो उसके बाद जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स है, नॉमिनल कौन से, जो एक्सपेंसेस और इनकम और जो इससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट है, उन सब को क्लोज कर देते हैं और उनका जो बैलेंस है क्लोज करके, परचेज यहाँ आ गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस वो आ गया, वेजेज आ गए, जितने भी एक्सपेंसेस हैं सब इधर ट्रांसफर कर देते हैं। और जितनी इनकम है, रेवेन्यू अकाउंट है, वो सारे इधर ट्रांसफर कर देते हैं, उनके बैलेंस है। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा कि जितने नॉमिनल अकाउंट है उनका बैलेंस है वो तो जीरो हो जाएगा। बैलेंस जीरो होकर वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, और उसका नेट रिजल्ट या तो प्रॉफिट या जो लॉस होगा वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो लास्ट ईयर के जितने नॉमिनल अकाउंट है वो यहाँ पर क्लोज हो जाते हैं, उनका चैप्टर क्लोज है, आगे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अब उसके बाद जो अकाउंट बचे वो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये अकाउंट है, इनके बैलेंस खड़े रहते हैं। तो इनको जितना भी बैलेंस है इनका, सब बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। और बैलेंस शीट जो उसकी पर्टिकुलर डेट की, बैलेंस शीट हमेशा एज एट एक पर्टिकुलर डे की बनती है, एक डे एट ए मोमेंट, वहाँ पर उस बैलेंस शीट के अंदर वो उसकी पोजीशन आ जाएगी 31 मार्च को। यहाँ आपकी क्लोजिंग एंट्री उसका इफेक्ट है कि जब क्लोजिंग एंट्री का जो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है उसके अंदर आप वीडियो देखेंगे तो एक क्लोजिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पर आप समझ लेना। ओपनिंग एंट्री का मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ क्लोजिंग एंट्री होने की वजह से क्या हुआ, जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटी है वो सारी आपकी इधर बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो गई। अब नेक्स्ट ईयर जब आप ओपनिंग एंट्री करेंगे, यानी बिजनेस शुरू करेंगे कब, 1 अप्रैल 2021 या जो भी आपका ईयर है उस ईयर के अंदर, तो सबसे पहले जितने भी बैलेंस शीट के आइटम्स हैं उनको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यानी जर्नल के अंदर जो फर्स्ट एंट्री होगी वो ओपनिंग एंट्री होगी। ओपनिंग एंट्री कैसे होगी, जो बैलेंस शीट के अंदर जितने एसेट्स हैं वो सारे नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर होंगे उनके, और वो ओपनिंग एंट्री के थ्रू होंगे। वो कैसे होंगे मैं बताता हूँ, एक मैं बैलेंस शीट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए एक बैलेंस शीट है एक बिजनेस के अंदर 31 मार्च 2021 को, ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज है। एसेट्स के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर्स हो गए, फर्नीचर एंड फिक्चर, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन एंड कैश इन बैंक, और इधर आपकी लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट, बैंक लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इन सब का टोटल आपका हो गया 260,000। ये आपकी बैलेंस शीट हो गई। अब इसके नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस अपने को कैरी फॉरवर्ड करना है, तो वो कैसे करेंगे, ये जितनी एसेट्स है वो सारी आप डेबिट कर देंगे इंडिविजुअली। जितनी अगर मान लो 50 एसेट्स है तो 50 आपको अकाउंट है वो डेबिट करने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग का ये जो बैलेंस है आपका 1,10,000, वो लैंड एंड बिल्डिंग में आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वहां पर, ठीक है जी।
ऐसे ही कंप्यूटर है, कंप्यूटर का बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, फर्नीचर एंड फिक्चर्स है उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये सारी एसेट्स डेबिट हो जाएगी। उसके बाद जितनी लाइबिलिटी है उसको आप क्रेडिट कर देंगे, तो इनके बैलेंस है वो क्रेडिट वहाँ पर नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग के अंदर 1 अप्रैल को आपके ये क्लोजिंग बैलेंस वहाँ पर आ जाएंगे। कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर कैपिटल नहीं देते हैं, वो मिसिंग होती है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसका टोटल लेंगे, 2,60,000 हो गया, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंगली 2,60,000 लेस इस अमाउंट का आप टोटल जो लाइबिलिटी है उसका टोटल करके आप 1,60,000 उसमें से रिड्यूस कर देंगे, तो आपकी 1,00,000 कैपिटल आ जाएगी। इस टाइप से आप उसकी कैपिटल निकाल लेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी मैं आपको बता देता हूँ। तो बैलेंस शीट की एसेट्स है उसको डेबिट कर देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग 1,10,000 डेबिट, कंप्यूटर्स अकाउंट 20,000 डेबिट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री, ये सारे अकाउंट आप डेबिट कर देंगे जो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में थे। उसके बाद जो लाइबिलिटी साइड की हैं उन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, इंडिविजुअल अकाउंट को करेंगे, इनका टोटल नहीं करके इंडिविजुअल अकाउंट को आप क्रेडिट या डेबिट करेंगे। इसका रीज़न क्या है कि इंडिविजुअल आपको बैलेंस चाहिए, सबके इंडिविजुअल लेजर खुलेंगे तो सबको इंडिविजुअल ही बैलेंस चाहिए, तो इस वजह से इंडिविजुअल ही आप इनको डेबिट या क्रेडिट करेंगे। अब इनकी अमाउंट देखते हैं, कैपिटल बैंक लोन 1,50,090, नाइन्टी थाउजेंड, इस टाइप से सारा बैलेंस यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे बैलेंस शीट को देखकर। बैंक लोन, सन्डरी क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इस टाइप से इनको क्रेडिट कर देंगे, ये आपकी क्लोजिंग एंट्री होगी। तो एसेट्स है सारी डेबिट करेंगे और लाइबिलिटी है वो सारी क्रेडिट करेंगे, और इस टाइप से वो आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। जर्नल के अंदर नेक्स्ट ईयर में जो स्टार्टिंग में पहली एंट्री है, फर्स्ट एंट्री है, वो ओपनिंग एंट्री होती है। तो ये ओपनिंग एंट्री है, कुछ नहीं है वैसे, सिर्फ एक अंडरस्टैंड वाली बात है, आप समझ गए होंगे। स्टिल इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट्स में डालिए, मैं उसको क्लियर करूँगा। मेरा वीडियो पसंद आया तो आप शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।